यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आइए, प्लीज कम। हेलो सर। आदित्य जी, इस लड़की का कहना है कि आपने इससे शादी की और फिर इसे छोड़ दिया। क्या कहा? आपकी तारीफ। मैं पिया। मैंने आपसे कब शादी की बताइए? आज से करीब 2 महीने पहले की। ये क्या कह रही है? मैंने ही शादी की और मुझे ही पता नहीं? राहुल, नाटक बंद करो। अरे नहीं, मेरा नाम राहुल नहीं है, मेरा नाम आदित्य है, आदित्य चौधरी। झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ। तुम आदित्य नहीं हो, तुम राहुल हो। तुम मुझे मसूरी में मिले थे राहुल, तुमने मुझसे शादी करके धोखा दिया है। आप नहीं पहचान रहे हो राहुल। मैडम, आदित्य चौधरी जैसे बड़े बिजनेसमैन के साथ तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम और ज्यादा बोली तो अंदर बंद कर दूंगा। एक मिनट एसीबी साहब, ये बेचारी होश में नहीं है। मुझे लगता है इस मासूम के साथ धोखा हुआ है और लगता है इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। प्लीज लो पानी पी लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे राहुल की कोई तस्वीर या पता ठिकाना वगैरह है? कुछ नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम ही राहुल हो, क्योंकि एक हिंदुस्तानी औरत अपने पति को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। सुनिए, आपको मुझे पहचानने में कोई गलती हो रही है। वैसे 3 महीने से तो लंदन में था मैं। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, और तो और मैं हूं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अगर तुम मेरे बारे में किसी से कुछ पूछताछ करना चाहती हो तो डरो मत, बेझिझक करो और अपने उस क्या नाम बताया था उसका, राहुल। हाँ राहुल, और तुम्हारे उस राहुल को ढूंढने में मैं पूरी मदद करूंगा तुम्हारी, मेरा ये वादा है तुमसे। मैं अपनी स्वर्गवासिनी माँ की कसम खा के तुमसे ये कहता हूं बहन, मैं सच कहता हूं, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। चलो 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 निकलो यहां से। बेटा ये क्या है, तुम मुझे मेरी ही दुकान से बाहर निकाल रहे हो? यही दिन देखने के लिए तुझे खिला पिला के बड़ा किया था। जाओ 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 जाओ, चले जाओ यहाँ से। देखो तुम्हें, चले। मुझे मेरी ही दुकान से बाहर निकाल रहा है।
बुला इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया भी नहीं सुनने वाला देखो लोग चले जाओ तुम लोग चले जाओ यहाँ से चले जाओ बोला ना सुनो सुनो बेटा मेरा बेटा आज मुझे अपनी ही दुकान से बाहर निकाल रहा है कुछ करो बेटा कुछ करो अगर देखा जाए तो ना तो तू मेरा मामा लगता है ना चाचा लगता है धंधा तेरा बेटा तेरा झगड़ा तेरा मुझे क्या अमेरिका समझा जो दूसरों के झगड़े में पड़ूं मैडम क्या केस है गंगा में डूबते हुए बचाया है पिया नाम है इनका सुसाइड केस वैसे कहां से आई है ये बाहर से आई हैं उनके बैग में होटल की रसीद भी मिली है हां जी मिल गया कमिंग फ्रॉम हरिद्वार पिया शर्मा उनका फोन नंबर है मैडम उस नंबर पर फोन किया मगर कोई उठा नहीं रहा है रिंग बज रही है तुम एक काम करो हरिद्वार पुलिस स्टेशन में फोन करो जी अरे बाप रे पुलिस इंस्पेक्टर ज्योति इस गरीब खाने में आने की वजह पूछ सकता हूँ आपसे आज एक लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की है इतनी छोटी खबर सुनाने आई हैं आप लड़कियां तो पल पल मरती हैं माँ बाप सोनोग्राफी करके कोख में मार देते हैं कभी सिस्टम मारता है कभी सास बेटा मिलकर बेचारी बहू को जला देते हैं दहेज के लिए बलि चढ़ जाती है लड़की ज्योति जी ये माचिस देख रही हैं आप साली ये माचिस की तिलियां आजकल सिगरेट कम और लड़कियां ज्यादा जलाती हैं इसीलिए मैंने ये सब देखना ही छोड़ दिया है इस डायरी में उसने अपनी जीवन गाथा लिखी है एक बार पढ़ के देखो क्यों तुम उसकी जीवन गाथा पर सीरियल बना रही हो अच्छा मुझे हीरो लोगी निर्मल कभी तो लाइफ में सीरियस होने की कोशिश करो कोशिश की थी मैंने बहुत कोशिश की थी मैंने साली लाइफ ने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया मजाक बना दिया मजाक मैं तो सच्चाई का पुजारी था खैर छोड़ो जाओ यहां से प्लीज जाओ निर्मल मेरी एक बात मानोगे तुम अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उससे भूल जाओ और हमारे साथ खुश रहने की कोशिश करो इसी में सबकी भलाई है
पिया है और मैं उस शहर में रहती हूँ जहाँ गंगा बहती है। उस शहर का नाम है हरिद्वार। मैं जब 16 वर्ष की थी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं अपने पुरखों के घर में रहती हूँ। मेरे पड़ोसी हरिशंकर की बेटी प्रीति मेरे हर काम में हाथ बटाती है। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैंने एक दफ्तर में काम करना शुरू किया। मैं जिस उम्र में हूँ उसमें हर किसी को प्रेम जरूर होता है। मैं राहुल से प्रेम करती हूँ। राहुल मेरा नेट फ्रेंड। हम नेट पर चैट करते हैं। चैटिंग दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। अगले महीने राहुल हरिद्वार आ रहा है मुझसे मिलने। जीवन कितना अच्छा चल रहा था, अचानक सब कुछ बदल गया। मेरे सीनियर ने मुझे बुलाया और ऑडिट के लिए मसूरी जाने को कहा। या दैट्स फाइन। हाँ पिया। हे पिया। अरे नुपुर तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। मीट माय हस्बैंड ललित। हेलो जी। हाय ललित, ये पिया है, शी इज माय कॉलेज फ्रेंड। चल पिया कहीं चलकर बातें करते हैं। अच्छा सुनो, तुम रूम में जाओ मैं आती हूँ। ओके जी, बाय जी। अच्छा नुपुर एक बात बता, ललित तुझसे उम्र में काफी बड़े हैं ना, फिर तूने शादी कैसे? वो काफी पैसे वाला है, अच्छा कारोबार है उसका, और मैं अकेले अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई थी पिया। ललित ने मुझे सहारा दिया, मुझसे शादी की। अच्छा तू बता, कोई अफेयर, प्यार व्यार? हाँ अरे नहीं अभी तक तो नहीं, मगर हाँ एक लड़का है, राहुल, राहुल खन्ना, मेरा इंटरनेट फ्रेंड है, मुंबई में रहता है और एनएम इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहा है। एग्जाम दिया है, रिजल्ट भी आने वाला है। मुझे बेबी डॉल कहता है, बहुत पसंद करती हूँ मैं उसे। देखने में कैसा है? पता नहीं, आज तक मैंने उसे देखा नहीं। देखा नहीं? अरे नेट पे फोटो मंगवा के फोटो तो देख सकती थी। मैंने कहा था उसने भेजा नहीं, वो अगले हफ्ते मुझसे मिलने हरिद्वार आ रहा है। ओह हमारी थिंकिंग, हमारे विचार बहुत मिलते हैं, अब देखते हैं मिलने पर क्या होता है। पिया मैंने तो 4 ही दिन में अपने ब्रांच के सारे अकाउंट्स देख लिए। परसों तक मेरे भी अकाउंट्स टैली हो जाएंगे। अरे कल परसों की छोड़ो आज की सोचो, संडे यहाँ बैठ के बोर होंगे क्या? अरे बोर नहीं होंगे, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी? नहीं नहीं अंताक्षरी बहुत पुरानी हो गई है और टीवी वालों ने तो इसे दिखा दिखा कर और भी बोरिंग कर दिया है। तो पिया स्टाइल में अंताक्षरी खेलो। पिया का कौन सा स्टाइल है? हम दूसरों के लिखे फिल्मी गीत गाकर अंताक्षरी नहीं खेलते, हम अपने गीत खुद बनाते हैं, अपनी कहानी लिखते हैं और उसे जिंदगी की तरह आगे बढ़ाते हैं। कहानी में मोहब्बत है, मोहब्बत में कहानी है। मोहब्बत है, मोहब्बत में कहानी है, कहानी जो लिखी हमने वही सबको सुनानी है। सुनानी है कहानी जो बड़ी ही वो सुहानी है। मोहब्बत है शरारत है, नजाकत है जवानी है। कहानी में मोहब्बत है, मोहब्बत में कहानी है, कहानी जो लिखी हमने वही सबको सुनानी है। जवानी में जवानों का हमेशा दिल धड़कता है। जवानों
का हमेशा दिल धड़कता है, हमेशा दिल धड़कता है, कोई शोला भड़कता है, कोई शोला भड़कता है, निगाहें चार होती है, निगाहें चार होती है, जिगर के पार होती है, जिगर के पार होती है, तो पहले चैन जाता है, जो पहले चैन जाता है, सपनों में जो आता है तो नींदों को चुराता है, वो जो नींदें चुराता है तो ये दिल आह भरता है, कहानी में मोहब्बत है, मोहब्बत में कहानी है, कहानी जो लिखी हमने वही सबको सुनानी है, छुप के बात होती है, ये आहें रंग लाती है तो छुप के बात होती है, जो छुप के बात होती है कहीं मुलाकात होती है, कहीं छुप के जो मिलते हैं तो दुनिया जान जाती है, जो दुनिया जान जाती है तो दीवारें उठाती है, जमाने दीवारों से कभी आशिक नहीं डरते, जो डरते हैं जमाने से मोहब्बत वो नहीं करते, मोहब्बत जो नहीं करते कहीं ना चैन पाते हैं, उन्हीं को चैन मिलता है जो इसमें डूब जाते हैं, जो इसमें डूब जाते हैं वही तो रब को पाते हैं, वही तो रब को पाते हैं, वही तो रब को पाते हैं, सुनो वो राहुल, राहुल कहाँ गया? राहुल कौन राहुल? अरे अभी तो था ना यहाँ पे, वही जो आपके साथ गाना गा रहा था, राहुल, राहुल राज खन्ना। तुम्हें कैसे मालूम वो राहुल खन्ना है? अरे मैं भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ जहाँ राहुल पढ़ता है, NM इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई। ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई एडिशन में उसकी फोटो छपी है, इस साल MBA में उसने टॉप किया है। हाय बेबी डॉल, आई एम सॉरी मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। आई एम राहुल, राहुल खन्ना, तुम्हारा नेट फ्रेंड। राहुल तुम? सॉरी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, पर तुम यहाँ कैसे? तुम तो अगले हफ्ते हरिद्वार आने वाले थे ना? सरप्राइज बेबी डॉल, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? पिया, तुम्हारी जो तस्वीर मेरे दिल में थी ना, तुम बिल्कुल वैसी ही निकली, सच कहूं तो उससे भी सुंदर। थैंक्स राहुल। MBA पास होने की खुशी में मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहो ना क्या चाहिए? क्या तुम शादी करोगी मुझसे? पिया, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, जवान है, हैंडसम है, पढ़ा लिखा है। तू बहुत लकी है जो उसने तुझे प्रपोज किया है। अब ज्यादा सोच मत, हाँ कर दे। लेकिन नुपुर, मैं उस राहुल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना उसने मुझे बताया है। असली जान पहचान तो शादी के बाद होती है, और तूने ही तो कहा था ना कि तुम दोनों के विचार बहुत मिलते हैं। हाँ पर शादी? साल पहले इसी सड़क पर हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में मेरी मां का देहांत हो गया था। मुझे MBA पास करने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई,
क्योंकि उस खुशी का क्या फायदा जिसमें मां शामिल ना हो। मेरा मानना है कि माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। उसका प्यार, उसकी ममता अब भी तुम्हारे साथ है। वो वहां से तुम्हें देख रही है, आशीर्वाद दे रही है तुम्हें। पिया, कितनी अच्छी बातें करती हो तुम। अब मेरी जिंदगी में अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ तुम हो। पिया, पिया। आप कौन? मैं श्यामल, राहुल का बड़ा भाई। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। बचपन में ही हमारे माता पिता गुजर गए एक कार एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में मैं भी अपाहिज हो गया। सारी जिंदगी भर अभी मुझे बैसाखियों पे चलना है। तकरीबन पूरे 2 साल हॉस्पिटल में निकाले हैं मैंने, और इस दरमियान राहुल बिल्कुल अकेला था। आनंद, हंसी, खुशी, इन्होंने जैसे मुंह फेर लिया हो। लेकिन आज बहुत सालों के बाद मैंने राहुल के चेहरे पर खुशी देखी है, और उस खुशी की वजह सिर्फ तुम हो पिया। हाँ पिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से यह मुमकिन हुआ है। राहुल का बड़ा भाई होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की शादी जल्द से जल्द हो। कल बोलोगी तो कल? कल? इतनी जल्दी? हाँ पिया, इस अपाहिज भाई का एक ही सपना है कि उसके छोटे भाई का घर बस जाए और वो जीवन में हमेशा के लिए सुखी रहे। तुम कल ही राहुल के साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर लो पिया। लेकिन इतनी जल्दी क्या है शादी की? प्लीज पिया, एक अपाहिज भाई अपने छोटे भाई की खुशियों की भीख मांग रहा है तुमसे, भीख मांग रहा है। प्लीज। राहुल और प्रिया, आज से आप दोनों कानूनन पति पत्नी हुए, मुबारक हो। सुखी रहो, मैं खुद हरिद्वार जाकर तुम्हारी शादी के रिसेप्शन का बंदोबस्त करता हूं। राहुल, तुम बहू को लेकर अपने घर जाओ, लेकिन उससे पहले बहू को हमारे कुल देवता के मंदिर ले जाना मत भूलना। ये घर कल तक तो मेरा था, पर आज से यह तुम्हारा है। ये लो इस घर की चाबियां। इस घर के मालकिन अब तुम हो। इस घर की इज्जत, मान, मर्यादा, सबकी जिम्मेदारी अब तुम पर है। आज मुझे अपनी खुशियों से ईर्ष्या हो रही है। अब खुशियों से दोस्ती कर लो पिया, ये खुशियां अब तुम्हारी हैं हमेशा के लिए। और बेबी डॉल, तुम हमारी हो गई आज से हमेशा के लिए। ओ साहब जी, ओ मैम साहब जी, हम ध्यान सिंह मैनेजर आए, हम आपका ध्यान रखने के काम आता है। ओ बंगला है, ये आपके रहने के काम आता है। ये फूल है, ये बालों में लगाने के काम आता है। और साहब जी, बेडरूम ऊपर है, वो ये सब करने के काम आता है। हाँ हाँ, हाँ।
पिया, इतना शानदार घर, कल तक मेरा इस घर से कोई संबंध नहीं था, और देखना आज इस घर का एक एक कोना मेरा है, मेरा अपना, ये मेरा घर है नुपुर, इट्स माय ड्रीम हाउस। पिया तेरी तो लाइफ ही बदल गई है, अब तुझे तो नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से राज कर। मैंने तो जीवन में कभी इतने सपने नहीं देखे थे जो ईश्वर ने आज पूरे कर दिए। अच्छा ये बता, राहुल का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि कई बार ये सोचकर हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल में कोई बुराई ना हो। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी हंसी एकदम अलग है, सबसे अलग। पिया? क्या है? पिया। ओ जान। अरे धीरे धीरे धीरे। ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। क्या? सब मेरे लिए? You are great. इतने छोटे कपड़े? ये मॉडर्न कपड़े हैं बेबी डॉल, क्या प्रॉब्लम है इनमें? प्रॉब्लम इन कपड़ों में नहीं राहुल, मुझ में है। मैं इतने छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों? क्या तुम मॉडर्न नहीं हो? मैं मॉडर्न हूँ, वेस्टर्न नहीं। तो मैं बना देता हूँ। पहनने में शर्म आती है तो मैं पहना देता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। अरे रुको। अरे मैं अपने पति को जीवन का सारा सुख देना चाहती थी। मैंने एक मिनी ड्रेस पहना और मैं अपने पति के सामने चली आई। I am in love, you are in love, we are in love. I am in love, you are in love, we are in love. जादू का जादू जरा छाने दे, प्यार की रुत में के पीछे से ख्वाबों की गलियों में आने दे। क्या बेकरारी है, मस्ती सितारी है, शौकी अदाओं की लुटाने दे।
मार्केट से एकदम शकाशक सामान लाए, देख लीजिए राशन हो या भाजी हर चीज है ताजी। सामान तो ठीक है, पैसे कितने बचे? 25 रुपए, ये लीजिए। 25 रुपए? बिल के हिसाब से 50 पैसे और बचने चाहिए। लाओ 50 पैसा। भूल गया, 25 रुपए 50 पैसे, ये 50 पैसे। पर मैम साहब जी, आप जिस काम के लिए आई है ना वो कीजिए, किचन मैं संभालता हूँ, आप साहब जी को संभालिए। बेबी डॉल ब्यूटीफुल। तुम इन कपड़ों में कितनी सेक्सी लगती हो। ये कपड़े तो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए पहने हैं राहुल। मेरी खुशी के लिए? हाँ राहुल, अब तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। तुमने मुझे जीवन की हर खुशी दी है राहुल। लोग प्यार करके शादी करते हैं, मैंने शादी करके प्यार किया है तुमसे, अपने पति से। पिया, हम कल ही हरिद्वार जाएंगे, पिंकी भी एग्जाम देकर हॉस्टल से वापस आ जाएगी, हमें देखकर कितनी खुश होगी ना, ये जानकर सरप्राइज हो जाएगी कि हमने शादी कर ली है। ये लो पियो। पूछोगी नहीं क्या है? नहीं, तुमने कहा है तो पी लूंगी। राहुल, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया, हवा में उड़ रही हूं मैं। जब तुम मुझे छूते हो तो मुझ में आग लग जाती है। जब तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे सारी खुशी मिल जाती है। किसमें? किसमें राहुल? किसमें राहुल? एक शब जी होता है, एक मेम शब होती है, दोनों डिंग डोंग करते हैं और किधर भी करते हैं। ध्यान सिंह जी, मैम साहब। साहब कहाँ है? कमाल करती हो मैम साहब, वो भी तो आप ही को ढूंढ रहे होंगे। पर कहाँ, न यहाँ है न वहाँ है, न बेडरूम में है। बेडरूम में साहब थे ही कब, सारा काम तो भारी हो रहा था। ज्यादा बातें मत करो, जाकर देखो साहब कहाँ है। शाम होने को आई, आखिर राहुल गया कहाँ? ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? राहुल, मुझे लगा राहुल शायद यहाँ आया होगा। राहुल? कौन राहुल? मेरे पति। तुम्हारा पति सड़क पे क्या करने आएगा? वो जब भी परेशान होते हैं यहाँ आते हैं।
12 साल पहले यही इसी सड़क पर उनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। 12 साल पहले? क्या बात करती हो, इस सड़क को बने तो सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2 साल? ऐसा कैसे हो सकता है? कब हुई थी तेरी शादी? 7 दिन पहले। कहाँ हुई थी? यहाँ इसी रजिस्टर ऑफिस में। रजिस्टर ऑफिस? हाँ। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है, यहाँ नेता आकर ठहरते हैं, और वैसे भी ये 2 महीने से रिनोवेशन के लिए बंद है। तुम ठहरी कहाँ हो? ऊपर हिमगिरी बंगले में। ध्यान सिंह मैनेजर के यहाँ? हाँ। ठीक है, तुम घर जाकर देखो वो लड़का वापस आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो तुम ध्यान सिंह को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। ध्यान सिंह साहब आ गए? लगता है शाबजी चले गए, उनका सामान भी नहीं है, वो जीप भी वापस कर गए। वैसे भी ये बंगला उन्होंने आज तक ही किराए पे लिया था, 700 रुपए रोजाना। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, हमने आपका सामान भी पैक कर दिया है, आप चेक कर लो कुछ छूटा तो नहीं है ना। राहुल तो कहता था ये बंगला उसका है। क्या बात करती है मैम साहब जी, अरे बंगले के मालिक तो चड्डा साहब जी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता मैम साहब जी, हम इधर 5 साल से नौकरी करता है, इधर ऐसा ही छोकरा लोग छोकरी लेके आता है और डिंग डॉग करता है और चला जाता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। और मैम साहब जी, हम इधर नौकरी करता है, जासूसी नहीं, और वैसे भी टिप तो हमको साहब जी देते थे, आपने तो कभी खोटी अठन्नी भी नहीं दी, उल्टे हिसाब का बाकी पैसा गिन गिन के वापस लेता था। मैं यहाँ से एक फोन कर सकती हूँ? हेलो। हेलो पिंकी, पिंकी मैं पिया बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ बहन। दीदी क्या बात है, आपने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? राहुल तुमसे मिलने यहाँ आया है दीदी, तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या राहुल वहाँ आया है? हाँ दीदी, अभी 1 घंटे पहले ही आया है। तू उसे वहीं रोक, मैं अभी आती हूँ। दीदी कितनी देर कर दी, ये क्या आपकी मांग में सिंदूर? तुम्हें राहुल ने बताया नहीं, हमने शादी कर ली है। राहुल कहाँ? हाय पिया, आई एम राहुल, राहुल खन्ना तुम्हारा नेट फ्रेंड। तुम राहुल कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं बेबी डॉल, अरे मैं ही राहुल हूँ, तुमसे चैट करता था, कहा था ना कि रिजल्ट के बाद हरिद्वार आऊंगा तो आ गया। अगर तुम राहुल हो तो वो कौन था, वो जिसे राहुल समझकर मैंने शादी की थी, वो जिसके साथ मैं हनीमून मनाकर आ रही हूँ? हाँ यही तो वो पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी में उसकी तस्वीर छपी थी। नहीं पिया, इसमें उसकी कोई तस्वीर नहीं है, शायद उसने अखबार की एक ही कॉपी छपवाई थी किसी प्राइवेट प्रेस से। और मैंने अखबार की तस्वीर देखकर ये यकीन कर लिया कि वही राहुल है, ना कुछ पूछा ना सोचा। दीदी गंगा माँ सब ठीक कर देंगी, तुम चिंता मत करो। पिया सारा खेल खेल के अपना मुंह काला करने के बाद तू यहाँ वापस क्यों आई है? ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं गंगा की बेटी हूँ, यही पली बड़ी हूँ, अपने घर आई हूँ मैं। पर आई कैसे, सब कुछ लुटा कर ये मेडल जैसा मंगलसूत्र गले में पहन कर आई है? आप अपना काम कीजिए, आप होते कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? अरे इसकी हिम्मत तो देखो, कुकर्म करके आई है और हमें आंखें दिखा रही है, बेहया हो गई है साली वेश्या। मैंने उसकी एक एक बात याद की, उसके सारे कपड़े रेडीमेड थे, पर एक शर्ट पे कोलकाता के किसी टेलर का लेबल लगा था, कोलकाता। वो कभी कभी कोलकाता शहर की बात करता था, फिर मुझे एक बात याद आई, एक बार हम साथ में एक इंग्लिश फिल्म देख रहे थे, उसमें एक ओपन लाल रंग की BMW कार थी, जिसे देखकर उसने कहा था कि वैसे ही कार उसके पास भी है, लाल रंग की BMW स्पोर्ट्स कार। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। पिया मैं जरूर आऊंगी, कोर्ट में आकर सारा सच बताऊंगी। थैंक यू नुपुर। नुपुर हाँ, तुम गवाही देने कोलकाता जाओगी? पागल हो गए हो तुम, किसी और के प्रॉब्लम से हमें क्या लेना, अगली बार पिया का फोन आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ।
हे भोलेनाथ, ये एक औरत के जीवन का सबसे कीमती गहना है। हर औरत यही चाहती है कि ये गहना उसकी सांसों के साथ ही जाए। वो तो मर्द है, उसने इसकी कीमत नहीं समझी, पर मैं एक औरत हूं, इसका मान जानती हूं। मैं इसे फेंक नहीं सकती, इसका अपमान नहीं कर सकती, इसलिए इसको मैं आपके चरणों में चढ़ाने आई हूं। अब मैं जो करने जा रही हूं उसके लिए शक्ति देना भगवान, मुझे शक्ति देना। ये तो BMW एल्जो है, इस मॉडल की कार तो सिर्फ एक ही के पास है। देखिए, हमें अपने एड फिल्म की शूटिंग के लिए इस कार की बहुत जरूरत है। देखिए, मुझे मसूरी में एक लड़का मिला था, उसने कहा था उसके पास इसी मॉडल की एक कार है। आप जरा इंक्वायरी करके देखिए, मुझे लगता है उसके पास ऐसी एक कार है। देन आई एम श्योर आपने ये कार मिस्टर आदित्य चौधरी के पास देखी होगी। ये मॉडल की कार बस उन्हीं के पास है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ नहीं है, लंदन में है। आदित्य चौधरी, वैसे क्या उनका पता आप मुझे दे सकती हैं? सॉरी मैम, किसी कस्टमर का एड्रेस देना हमारी पॉलिसी में नहीं है। आदित्य चौधरी, इससे पहले उसका क्या ठिकाना था? पूरा बायोडाटा बता दूंगा। लेकिन पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे? बस 1000। हमारी लिस्ट में तो 4 आदित्य चौधरी हैं। आप खुद सर्च करके देख लीजिए, देख लीजिए आप पूरा बायोडाटा। डायरी पढ़ ली मैंने, अब वो लड़की कैसी है? उसे होश आ गया है, अब खतरे से बाहर है। अच्छा, मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम तो यहां लड़ने आई थी, फिर तुमने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आई और हावड़ा ब्रिज के सामने बैठ गई। वहां बैठे बैठे यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, और उसी वक्त हाय बेबी डॉल। तुम रोते हुए बहुत ही खूबसूरत लगती हो बेबी डॉल। तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे साथ यहीं पर सुहागरात मना लो। फिर से एक बार। इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे राहुल बनकर धोखा दिया। यस बेबी डॉल, मैं ही, ये आदित्य चौधरी ही तुम्हारा राहुल है। मैं अपने दोस्तों के साथ मसूरी आया था, वहां तुम्हें देखकर दिल मचल गया। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया कि मैं तुम्हें करोड़ों भी देता तो भी बगैर शादी के तुम मेरे हाथ नहीं आती। अब तुम तो ठहरी टिपिकल भारतीय नारी, जान तो दे सकती हो लेकिन अपनी इज्जत नहीं दे सकती ना।
पैसे देने पर भी तुम मुझे नहीं मिलती। तभी एक दिन अपनी फ्रेंड नूपुर के साथ कैफे में बैठकर नूपुर के साथ डिस्कस कर रही थी अपने उस नेट फ्रेंड राहुल के बारे में, उस राहुल के बारे में जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं था। मगर अपनी लव स्टोरी में एक प्रॉब्लम था ना, अगर तुमसे राहुल बनकर नहीं मिलता तो तुम्हें कैसे फंसता। फिर मैंने तुमसे झूठी शादी रचा ली 10 रुपए का सिंदूर तुम्हारी मांग में भरकर, और फिर तुमने मुझे वो मजा दिया जो कोई इंटरनेशनल कॉल गर्ल भी नहीं दे सकती, वो कोई हाई क्लास वेश्या भी नहीं दे सकती थी। एवरीथिंग फ्री, 7 दिन बाद गेम ओवर। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हरिद्वार की एक भोली भाली लड़की मुझे खोजते हुए कोलकाता तक भी पहुंच जाएगी। अब दफा हो जाओ यहां से। तू समझती क्या है अपने आप को, हाँ? कि आदित्य साहब को अंदर कर दूंगा? अरे पगली, तुम जैसी गरीब लड़कियां अमीरों के हाथों का खिलौना होती है, खिलौना। मेरी बात ध्यान से सुन, जहां से आई है तू वहीं लौट जा, नहीं तो बीच रास्ते पर ही यहाँ के गुंडों से तेरा बलात्कार करवा दूंगा, हाँ, और फिर धंधा करने के इल्जाम में लॉकअप में डाल दूंगा। साली, 2 टके की लौंडिया आदित्य बाबू से टक्कर लेने चली थी, चल भाग यहां से। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मेरी सहेली नूपुर ने भी मुझे धोखा दिया। मैं गंगा किनारे पले बड़ी हूं, गंगा को ही अपनी मां माना था, अपना सब कुछ समझती थी उसे। गंगा सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, मैं यही मानती थी कि सच कभी नहीं हारता। लेकिन आज मैंने सच को हारते हुए देखा है, आज झूठ की जीत हुई। मैंने अपनी आंखों से पहली बार सच को हारते देखा है। जिसे अपना पति माना उसी ने मुझे धोखा दिया, और वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा जीवन एक गीले कागज की तरह है, जिस पर की पुरानी कहानी पढ़ी नहीं जा सकती और कोई नई कहानी लिखी भी नहीं जा सकती। हार गई हूं मैं, पूरी तरह हार गई हूं। तुम रो मत, अपने आंसू पोंछ लो। आज वचन देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें पूरा न्याय और अधिकार मिलेगा। रोने का वक्त तो उस आदित्य का आएगा, अब उसे रोना पड़ेगा। अब मैं आदित्य को ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि उसकी 7 पुश्तें कांप उठेगी, ऐसा घिनौना काम करने से पहले। अब उसके कुकर्मों का अंत बिल्कुल करीब है। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। 1 सेकंड, होल्ड ऑन। यस, आपसे मिलने कोई निर्मल आए हैं। निर्मल? हाय निर्मल। तेरे लिए बहुत बुरी खबर है, पिया का केस अब मेरे पास है। केस? डोंट वेस्ट योर टाइम निर्मल, तू ये केस लड़ेगा कैसे? भूल गया क्या, तू अब एक वकील नहीं रहा। याद है ना, जब लास्ट टाइम मेरे खिलाफ केस लड़ा था तब मैंने तुझे सस्पेंड करवा दिया था। अब तू वकालत नहीं कर सकता निर्मल, जा, बेकार में मेरा वक्त बर्बाद मत कर। जानता हूं,
अब मैं जो करूंगा वो कानून के दायरे में रह के नहीं, कानून इंसान के लिए होता है, तुम जैसे हैवान के लिए नहीं। hey! चिल्ला मत, गौर से सुन। अब जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं आदित्य, वो सुनते ही तेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि आज के बाद तेरे दिन और रात खौफनाक हो जाएंगे, ये तुझसे मेरा वादा है। अब कानून से हट के तुझे सजा मिलेगी, मौत की आहट हर घड़ी तेरे कानों में गूंजती रहेगी। तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं, अब ये हम दोनों की जंग है, और इस जंग में हर तरफ से तेरी मात होगी आदित्य चौधरी। अब ये जलते हुए फानुस को बुझाकर अंधेरे में रहना सीख ले आदित्य चौधरी। मेरे साथ दूसरी बार टक्कर ली है तूने, मैं तुझसे गिन गिन कर बदला दूंगा, तुम्हारी पाप की नगरी को मैं जलाकर राख कर दूंगा, मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगा आदित्य चौधरी। तूने जिस तरह मासूम पिया की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी, उसी तरह मैं तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे और पिया के कहानी में ये निर्मल कहां से आ गया? निर्मल, मुझे याद है कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैंने डैड का बिजनेस ज्वाइन किया, डैड ने मुझे पहला इंडिपेंडेंट वेंचर दिया कॉलोनी रीडेवलप करने का। उस वक्त वहां के टेनेंट्स ने केस कर दिया था और उन टेनेंट्स का केस ये निर्मल लड़ रहा था। मैं जानता था कि निर्मल बहुत ही काबिल वकील है और हमारा केस जस्टिस मुखर्जी की अदालत में पेश किया गया था। जस्टिस मुखर्जी बहुत ही ऑनेस्ट इंसान थे। फिर मैंने अपने दिमाग से एक खेल खेला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सही है आपकी लिखी किताब। कैन यू काइंडली ऑटोग्राफ दिस फॉर मी? इट्स माय प्लेजर। आप लंच टाइम में आकर मेरे असिस्टेंट से कलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। आदित्य सर नमस्कार। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। जब साहब को तुम ये बुक नहीं उसके बदले अब ये बुक दोगे, और ये काम करने के लिए हमारी तरफ से ये रख लो। निर्मल बासु, नेताजी कॉलोनी का केस मैं देख रहा हूं, आप प्लीज मुझे देखिए, पहला इंस्टॉलमेंट भेज रहा हूं। कॉल पुलिस। निर्मल माय फ्रेंड, मैंने कहा था ना तुझसे कि मेरे मामले में कभी टांग मत अड़ाना, अब अंजाम देख लिया, मेरी बात सच निकली, देखा ये केस मैं ही जीता, और रही तुम्हारी बात, तुम सस्पेंड हो गए और मेरा कंस्ट्रक्शन तो फुल स्विंग में है। देख ली पैसे की ताकत, पैसा सच को झूठ और झूठ को सच में बदल सकता है। अरे हाँ, पैसे की बात से याद आया, तेरी वकालत तो मैंने खत्म करवा दी, अब तेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तू एक काम कर, तू तो सच का पुजारी है ना? आजकल दुनिया में सच की कीमत सिर्फ 5 रुपए है। 5 रुपए। अब वक्त आ गया है ये सिक्का आदित्य को लौटाने का। ज्योति, मैं अपना रास्ता भूल कर भटक गया था,
तुम्हीं मुझे राह दिखाई और मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कहकर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, तुम्हें छोटा नहीं करना चाहता। ये खेल शुरू किया है उस आदित्य ने, इसे खत्म करूंगा अब मैं। एंड द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। अभिशाप है मोहब्बत और जंग में तो कुछ भी न पाप है। दो दिन की दोस्ती oh yeah. दो दिन की हर खुशी huh? दो दिन की है ये आशिकी। पापी पापी लोगों को कहने दे, पापी पापी चल छोड़ रहने दे, पापी पापी दुनिया को भूल जा, पापी पापी में भी प्यास है, मस्ती में चूर है, हर गम से दूर है, ये उम्र कुछ खास है। पापी पापी लोगों को कहने दे, पापी पापी चल छोड़ रहने दे, पापी पापी ये 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 दुनिया को भूल जा, पापी पापी बाहों में झूल जा। एक्सक्यूज मी, यस सर। मेरे मोबाइल की बैटरी जरा लो हो गई है, तो आपके इस फोन पर मेरे बॉस का फोन आएगा, इफ यू डोंट माइंड। हेलो निर्मल, क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो मैं तुझसे मांगूंगा नहीं, तुझसे छीन लूंगा। तेरी छोटी बहन का नाम मीतू है ना? दरअसल उससे कुछ ही देर पहले दोस्ती हुई है मेरी और मेरे साथ में है वो। झूठ बोल रहा है तू? यकीन ना हो तो अपना मोबाइल चेक कर लो। मैंने अभी अभी अपने मोबाइल से तुम्हारे मोबाइल पर MMS भेजा है। एक मिनट, मेरे बॉस का फोन होगा। हाय, कौन बोल रहा है? अब कैसा लग रहा है? क्लब बंद होने का टाइम हो गया है, यहां से सारे लोग चले गए हैं, यहां कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम्हारी छोटी बहन मीतू है। मीतू 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 भैया भैया, आप? तेरे साथ कौन था? मेरे साथ? मैंने क्लब में आने के बाद किसी से बात तक नहीं की। मोबाइल कहाँ है तेरा?
मेरा मोबाइल तो गाड़ी में है। चल घर चल। आप जरा वेट कीजिए, मैं जरा इसे लॉकर में रखकर आती हूँ। ठीक है। आदित्य, देख ली तूने मेरी अदालत। बिना वारंट भागता दौड़ता तू 10 मिनट में मेरे सामने हाजिर हो गया। कान खोल कर सुन ले, अगर मेरी बहन मीतू को कुछ हुआ ना तो मैं मर्द हूँ। तेरी तरह लड़कियों की इज्जत से नहीं खेलता। वैसे भी तेरी बहन मेरी बहन जैसी है, और ये तो तेरी और मेरी जंग है। उस मासूम की जिंदगी खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा पापी नहीं हूँ। ये तेरी पहली हार है, आगे आगे देख तेरा क्या हश्र करता हूँ। अब तू मेरे दूसरे बार का इंतजार कर, समझा? चलता हूँ, गुड बाय। आओ, ये है मेरा घर, और आज से मेरे घर को तुम अपना घर समझोगी, ओके? तुम्हारा सामान मैंने होटल से कलेक्ट करवा लिया है। पर होटल का बिल? उसकी पेमेंट मैंने कर दी है। तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, पता नहीं मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। कर्ज चुकाने की बात मत करो पिया, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हर लड़की की लड़ाई है। आदित्य सिर्फ तुम्हारे साथ बलात्कार करता तो तुम्हारा शरीर ही अपवित्र होता, मगर उसने तो तुम्हारी इज्जत से खेलते हुए तुम्हें कलंकित किया है। तुम्हारे साथ शादी का नाटक करके तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। एक नारी के अस्तित्व का मजाक बनाकर भरे बाजार में खड़ा कर दिया है उसने। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं है पिया, ये एक पापी के कुकर्मों की लड़ाई है। हमें उस पापी के खिलाफ लड़ना होगा ताकि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। मैं नहीं चाहती तुम जैसे कोई और पिया उसकी हवस का शिकार बने। प्यारा डॉगी, तुम इधर ही खेलो। अच्छा। ये ले, खा। तू यहाँ? यहाँ मेरे फार्म हाउस में क्या कर रहा है तू? देखने आया हूं कि तेरे चेहरे पर आया पसीना सूखा या नहीं। ए, ये जॉगिंग का पसीना है, और तू मेरी फिक्र करना छोड़, अपनी फिक्र कर, तेरी भलाई उसी में है। देख, फिक्र ही करनी है तो तू अपनी डॉगी मिनी की कर। मिनी? क्या हुआ मिनी को? रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन मत ले, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसे कुछ नहीं हुआ है, बहुत कंफर्टेबल है वो। देखना, बड़ी गर्मी है यहाँ, अब तुझ जैसे आदमी को ऐसे माहौल में कितना पसीना आ रहा है। और वो तो बेचारी छोटी सी डॉगी है, कितने सारे बाल है ना उसके। तूने मिनी का क्या किया? कुछ नहीं, बस उसे गर्मी की वजह से तेरे फ्रिज के फ्रीजर में मैंने बंद कर दिया है। तेरी तो खामखा मेरे कपड़ों की इस्त्री क्यों खराब कर रहा है तू? जाके उसे बचा ले, 3 घंटे से ज्यादा हो गया फ्रीजर में रह के उसे, ठंडा ठंडा कूल कूल। बच्चे की तरह हमेशा दौड़ता ही रहता है। मंजू, राधा कहाँ मर गए सब के सब?
कितनी बार कहा है मिनी का ख्याल रखा करो काम चोर साली। मिनी को क्या हुआ, वो तो मेरे साथ खेल रहा था, ये देखो। हेलो। क्यों बे घबरा गया ना? अरे बाबा वो एक खिलौना है, स्टफ टॉय, समझा? किसी भी मॉल से दूसरा मिल जाएगा तुझे। अगर तुझे कुछ हो गया तो बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत महंगी होती है, किसी भी मॉल में नहीं मिलती मेरे भाई। अगर मुझे मारना ही होगा तो पहले तुझे मारूंगा, ना कि उस मासूम को। हेलो निर्मल, किसके बारे में सोच रहे हो इतनी गहराई से? उस लंगड़े इंसान के बारे में सोच रहा हूं जिसको राहुल ने पिया से अपना भाई बनाकर मिलवाया था। कौन? श्यामल? उसका नाम श्यामल नहीं, संदीप, संदीप चटर्जी। आज तो बहुत ज्यादा हो गई है। कौन है रे? और संदीप बाबू तुम्हारा खेल खत्म। निर्मल तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर? अब सिर्फ दबाने की देरी है और गेम ओवर। उंगली ट्रिगर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। अरे तुम्हारी तस्वीर पर गुलाब की माला पहनाई जाएगी और घी का दिया भी जलाया जाएगा। गोलियां मेरे हाथ में हैं। तुझे एक मौका और देता हूं, वैसे आज गाड़ी चलाने की जरूरत तुझे नहीं पड़ेगी, गाड़ी चलाऊंगा अब मैं। चल बैठ गाड़ी में, ज्यादा घूर मत और गाड़ी में बैठ, बैठ, बैठ। निर्मल ये तुमने क्या किया, मेरी गाड़ी तो पूरी तरह जल गई, मेरी गाड़ी। अरे तू गाड़ी के बारे में सोच रहा है? शुक्र मना तू गाड़ी में नहीं था, वरना खाक हो जाता। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो भाग, नहीं तो भागने के काबिल भी नहीं रहेगा तू। जा, चल जा। तो तुम लोग रेडी हो? हाँ। एक काम करो, जल्दी आग बुझा दो और ऐसी सफाई कर दो कि कोई सबूत ना बचे, ओके? जाओ। मैम प्लीज प्लीज आप आकर देखो तो सही, उसने मेरी गाड़ी का क्या हाल किया है।
प्लीज आइए देखिए उसने मेरी गाड़ी का क्या। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? अरे यहीं पे तो गिरी थी गाड़ी। जब गाड़ी यहाँ पर थी तो गई कहाँ? संदीप की गाड़ी वहाँ पार्क कर दो। ठीक है। और जैसा मैंने कहा है वैसा ही पुलिस से कहना। उस रात मैं खाना खाकर बाहर आया और अपनी गाड़ी के पास जा रहा था कि ओह माय गॉड, मेरी गाड़ी तो यहाँ है। सर आपकी चाबी। ये क्या, तुम्हारी गाड़ी तो यहीं पर है। कल रात में आए थे, जैसे ही आए मैंने इन्हें चाबी दी। ये नशे में थे, साहब ने कहा कि मैं शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा और वो टैक्सी में चले गए। पुलिस से मजाक करने का मतलब समझते हो तुम? सॉरी इंस्पेक्टर, कल रात मैंने इतनी शराब पी ली थी कि शायद मुझे होश नहीं था, ब्लैंक हो गया था मैं। निर्मल तुम दोनों के साथ खेल खेल रहा है, माइंड गेम। हाँ, दरअसल संदीप डर गया था उसके हाथ में रिवॉल्वर देख के और उसके बाद नशे में घबरा गया। बस निर्मल ने बड़ी होशियारी से अपने हाथों का कमाल दिखाया और गाड़ी बदल दी। बस तुम दोनों चिंता छोड़ो, निर्मल से अब मैं निपटूंगा। बस 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 बस, बहुत हो गया, जाओ। हे हीरो, सुना है आजकल बड़ी होशियारी दिखा रहा है, वक्त के साथ साथ तेरा दिमाग भी बड़ा ज्यादा चल रहा है। आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तुम्हें मैं समझाता हूं। रिवॉल्वर कहाँ है? रिवॉल्वर? ये सब चीजों की मुझे क्या जरूरत है, ये सब आपके काम की चीजें हैं क्योंकि आप एसीपी है, पुलिस वाले हैं। हमारे काम की है। चलो उठ, तेरी तलाशी लेनी है। तलाशी? सर बिना सर्च वारंट के आप मेरी तलाशी नहीं ले पाएंगे। तो मुझसे ही सर्च वारंट मांगता है। ये देख तेरा सर्च वारंट, पहचानता है ना, इसमें गोलियां भरी हुई हैं। गोलियां सरकार की है, जान तेरी है। रिपोर्ट में लिख दूंगा एनकाउंटर, समझ गया ना? शायद जानता नहीं है मुझे, मैं हूं सबसे बड़ा गुंडा। नहीं नहीं, आप सर, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं, आपको पूरा पूरा हक है सर। गुड, ये हुई ना समझदारी की बात। ओरिजिनल है? वाह। आज तो छोड़ देता हूं बच्चे, आइंदा कभी दादागिरी की ना तो जान से मार दूंगा। ये मत भूलना, ये मेरा इलाका है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कानून चलता है, समझ गया? जी सर। गुड, आइंदा तू इस इलाके में नजर आया तो ठीक नहीं होगा। आज दिन दहाड़े एक ऐसी घटना घटी है जिसके कारण पुलिस की इमेज आम जनता में एकदम बिगड़ चुकी है। ये देख तेरा सर्च वारंट, पहचानता है ना, इसमें गोलियां भरी हुई हैं। रिपोर्ट में लिख दूंगा एनकाउंटर, समझ गया ना? हमारा बस एक ही सवाल है कि इस हादसे के बाद पुलिस चुप रहेगी या दोषी को सजा देकर अपनी इमेज को ठीक करने की कोशिश करेगी। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी एक्सक्यूज। शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कोई FIR नहीं है। मलिक, फिर बिना सर्च वारंट के एक सिटीजन को परेशान करने का क्या मतलब है? Why? सर, मैंने अपना स्टिंग ऑपरेशन सोच समझ कर किया है, अब कार्रवाई आपको करनी है, अदरवाइज आई विल गो टू ह्यूमन राइट्स कमीशन। मिस्टर मलिक, सो
जब तक आपके खिलाफ पुलिस की कोई भी कार्रवाई पूरी तरह से खत्म नहीं होगी तब तक के लिए यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम पुलिस फोर्स। और एक बात सुन लो, इस इंक्वायरी के दौरान आप कभी भी निर्मल जी के आसपास नजर नहीं आने चाहिए। अगर उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आएगी। अंडरस्टैंड? हैंड ओवर योर बेल्ट एंड बैजेस टू ज्योति। मैंने बोला था ना सर, बहुत जल्दी आपको जूते पड़ने वाले हैं। क्यों, मैंने सही कहा था ना? चलो अब वर्दी उतारो। उसने मेरे साथ ही गेम खेला, मेरी पुलिस की वर्दी उतरवा दी, उसने मेरे हाथों से सारी पावर छिनवा दी। उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। क्यों मलिक, हाँ कमिश्नर की बात भूल गया क्या? मुझे खरोश भी आई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तू अकेला होगा मलिक, सिर्फ तू। चल भाग यहां से, जल्दी भाग। चल मार। नहीं नहीं, क्यों रे? नहीं नहीं नहीं, पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे? नहीं नहीं, नहीं। आज के बाद मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा तू? हाँ आया था ना? जा, आज मैंने तुझे सचमुच में ही लंगड़ा कर दिया है। हेलो, वो निकल गई। तुम्हारा नाम निशा है? हाँ। मेरी एक बात गौर से सुनो। निशा, मैं कुछ दिनों से तुम्हें फॉलो कर रहा हूं। वो क्यों? आखिर इस खाली फ्लैट का चक्कर क्या है ये जानने के लिए। देखो तुम चुपचाप बता दो मुझे, मैं वादा करता हूं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा।
मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं आदित्य को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि तुम मुझे इस फ्लैट में लाइयो। तुम्हें बताना ही होगा कि इस फ्लैट का राज आखिर क्या है। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं आदित्य को फोन करके अभी बता दूंगा कि तुमने मुझे इस फ्लैट के बारे में सब कुछ बताया। मैं सब कुछ बताती हूँ। आदित्य चौधरी का सारा 2 नंबरी पैसा और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यहीं रखा रहता है, और इसीलिए बीच बीच में मुझे फाइल रखने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। मेहरबानी करके प्लीज ये सब बातें किसी और को मत बताइएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे निशा, ये देखो बाकी के 80 लाख कल तक आ जाएंगे। किसका फोन है? ऑफिस से। तुम ऑफिस जाओ। ओके सर। यकीन मानो अमर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आदित्य के उस फ्लैट में करोड़ों का कैश है। मुझ पर यकीन करो अमर, वहां पर सब 2 नंबर के पैसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे अनऑथराइज डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। देखो अमर, देर मत करो, वक्त की नजाकत को समझो और जल्द से जल्द कमिश्नर से बात करके सर्च वारंट के पेपर्स बनाकर वहां रेड कर दो प्लीज। सब जगह रेड हुई है, कितना नुकसान हो गया। आपकी वजह से हम सब फंस गए आदित्य जी, और शायद ही आपके साथ कोई आगे जाके बिजनेस करे। मुझे लगता है कि निर्मल ने ही डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी है। निर्मल ने मेरी पीठ पर नहीं, इस बार पेट पर लात मारी है। निर्मल इस वक्त कहाँ होगा? ठीक से नहीं जानती, पर वो ऑफिसर ज्योति मुखर्जी को सब कुछ पता ही होगा, और पिया को भी उसी के घर पे ही ठहराया गया है। आदित्य का नुकसान हुआ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदित्य की फैक्ट्री, गोडाउन वगैरह सील हो जाने से सबसे अफसोस की बात यह है कि आदित्य की फैक्ट्री के बहुत सारे मजदूर बेचारे बेकार हो गए। ये वाकई बहुत बुरा हुआ। तुम सबके लिए कितना सोचते हो ना, तो मेरे भाई तरुण के बारे में भी तो कुछ सोचो ना। ये जीवन में बहुत ही बड़ा बनना चाहता है। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम इसकी मदद जरूर करोगे। बोलो ना क्या बनना है इसे, मैं बना दूंगा। तुम मेरे भाई को अपना साला बना लो। जानते हो, इंसान को जिंदगी में मौत से पहले एक और बार मरना पड़ता है। मतलब ये गले में माला पहना के बकरे को हलाल किया जाता है। तो अपनी दीदी से कहो कि ना तो मुझे बीवी चाहिए और ना ही साला। मुंह बंद करो, मक्खी घुस जाएगी। जी जा।
मसाला। फिर बात करते हैं। हमारी कंपनी ने अकाउंटेंट की जगह के लिए एक एजेंसी से एप्लीकेशन मंगवाई थी। एजेंसी ने ये सब भेजा है। इसमें एक नाम पिया का भी है, पिया शर्मा। आग लगा, लगा दे आग, धुआं अपने आप आ जाएगा। बुलाओ उसे। हेलो मिस पिया शर्मा, मैं सनराइज कंस्ट्रक्शन से बोल रहा हूँ। एजेंसी ने हमें आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया है। आपका इंटरव्यू कल होगा सुबह 10 बजे। सनराइज कंस्ट्रक्शन? हाँ। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू? ऊपर बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। मॉर्निंग सर, मैं पिया हूँ। तुम? निर्मल कहाँ है? मैं नहीं जानती। Your baby doll. जाने दो मुझे। नहीं। इतनी जल्दी भी क्या है जाने मन, मैं इतनी आसानी से तुझे कैसे छोड़ दूं? तेरी वजह से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम बंद पड़ गया। बिना नुकसान की भरपाई किए कैसे जाने दूं? कहां जा रही हो जान? नंगा कर साली को।
चल कपड़े उतार। तुम्हारा तो वो हल कर दूंगा मैं कि इस रास्ते से घर नहीं जा पाओगे तुम। बोल कहाँ है निर्मल? बताओ बताओ कहाँ है निर्मल? बताओ बताओ कहाँ है निर्मल? जल्दी से बताओ वरना बताओ। उस आदित्य को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मुझे रोकना मत चाहती। कानून को अपने हाथ में मत लो। आठ कानून की बात मेरे सामने मत करना। अगर कानून ने आदित्य को पहली बार सजा दी होती तो वो आज फिर से पिया की इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर पाता। आज तक हमने बहुत इंतजार किया कि इंसाफ, इस बार तो जरूर साथ देगा पिया का और उसके जीवन में उजाला हो जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, बहुत देख लिया इस कानून को। लेकिन आज जो सादित्य को कड़ी से कड़ी सजा देकर जुर्म की दुनिया में एक नया अध्याय लिखूंगा मैं। हटो। रुको निर्मल, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हिंसा सिर्फ हिंसा को ही बढ़ावा देती है। अगर हर कोई हथियार अपने हाथों में ले लेगा तो इंसानियत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। आज तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। तुम कोई गुंडे या बदमाश नहीं हो, एक माने हुए वकील हो निर्मल। लोग आज भी तुम्हारा नाम इज्जत से लेते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हारा कुरुक्षेत्र अदालत है। गुस्से से काम बिगड़ जाता है निर्मल। खुशी की बात ये है कि आज तुम्हारा सस्पेंशन खत्म हो चुका है। ये देखो, मैं ये ऑर्डर लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ पिया का केस अब तुम लड़ो और सारी दुनिया को ये दिखा दो कि सत्य की हमेशा जीत होती है। खतरे में सारा संसार, बेबस इंसान है, कैसा भगवान है, सुनता नहीं है पुकार। भर जाता जब घड़ा पापी के पाप का, होता है तब उदय सूरज इंसाफ का। बनके वो रोशनी दुनिया में छाएगा, हमको विश्वास है एक दिन वो आएगा। तोड़ेगा ना कभी हर दिल की आस वो, पापी के पाप का कर देगा नाश वो। निर्मल, आज अदालत में कोई गवाह पहुंच नहीं पाएगा। उस आदित्य के गुंडों ने पूरी तरह से घेर रखा है। मैं पुलिस में रहकर भी कुछ नहीं कर पाई। योर ऑनर, ये लड़की पिया शर्मा हमारे समाज के लिए कलंक है, जो अपने शरीर का इस्तेमाल करके
पैसा कमाने का धंधा करती है। योर ऑनर, समाज के नाम पर कलंक पिया नहीं है, समाज के नाम पर कलंक है ये पापी मिस्टर आदित्य, जो लड़की को मिट्टी की गुड़िया समझ के उसकी इज्जत के साथ खेलता है और फिर उसे तबाह हो बर्बाद कर देता है। योर ऑनर, संदीप ने उस दिन नौकरी देने के लिए इस लड़की को अपने साइट पे बुलाया था, मगर ये लड़की उस दिन जब साइट पर गई, खुद ही संदीप के साथ चाल चलना शुरू कर देती है। संदीप ने पिया को नौकरी देने के लिए नहीं बुलाया था, संदीप ने असल में पिया को बुलाया था आदित्य के सामने पेश करने के लिए। योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पिया जब संदीप के साइट पर पहुंचती है, ठीक उसी वक्त आदित्य उसी साइट पर कैसे पहुंच जाता है। योर ऑनर, मेरे लर्नेड फ्रेंड शायद भूल गए हैं कि आदित्य उस दिन वहां पर गया था कि नहीं, वो बात आज के अदालत का सवाल नहीं है। आज की अदालत का सवाल पूरी तरह वास्तविकता पर निर्भर है कि अचानक इसी पिया शर्मा ने संदीप का खून कर दिया। नो योर ऑनर, उसने खून नहीं किया, आत्मरक्षा की। आत्मरक्षा करके उसने अपनी इज्जत को बचाया। योर ऑनर, इज्जत? मेरे लर्नेड फ्रेंड, आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि एक औरत सिर्फ अपने खुद की इज्जत बचाने के खातिर वो क्या उस आदमी का खून कर दे? माननीय जज साहब, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय गणतंत्र में अहिंसा नीति का क्या कोई महत्व नहीं है? महत्व है, बिल्कुल महत्व है। हर भारतीय को अहिंसा का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं कि उस अहिंसा का पालन करते करते भारतीय नारी खामोश खड़े खड़े अपनी इज्जत को लुट जाने दे। माय लर्नर फ्रेंड, आपके पास अगर कोई प्रमाण वाकई सचमुच है, आप उसे अदालत के सामने पेश कीजिए। दैट्स ओके मिस्टर अरूप। देखिए मिस्टर निर्मल, एक बात याद रखिएगा जी, ये अदालत है, कोई नीलाम घर नहीं है। माइंड यू, आपने अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ऐसी स्थिति में अदालत को आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आप अपने गवाह पेश कीजिए। सर, ये एक रेप केस है। ये केस है एक नारी के सम्मान का और उसकी इज्जत का। आज इस अदालत में मेरा कोई गवाह नहीं आ पाया है, तो इसकी वजह से क्या न्याय नहीं हो पाएगा? इस लड़की को क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? सर, मैं ये कहना चाहता हूं मेरे फाजिल दोस्त से कि आजादी का असली मतलब होता है कि औरतें और बच्चे सड़कों पर आजादी से चल फिर सके। आज 60 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की नारी की यह हालत है। योर ऑनर, अकेली औरत सड़क पर महफूज नहीं है। सर, इस शहर की बात जाने दीजिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो रात के अंधेरे में रास्ते पर लड़की क्या अकेली निकल सकती है? नहीं मिलॉर्ड, बिल्कुल नहीं मिलॉर्ड। आप अपनी बेटी को रात के अंधेरे में इस शहर की सड़कों पर अकेली भेजकर क्या बेफिक्र रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आज हमारा समाज धीरे धीरे टूट रहा है, टूट कर बिखर रहा है। योर ऑनर, पुलिस, पॉलिटिशियन, सिस्टम, इन सब पर से एक आम आदमी का भरोसा उठ चुका है। योर ऑनर, लेकिन आज योर ऑनर, एक आम आदमी की आखिरी उम्मीद इस अदालत से है, हमारे देश की ये अदालत। क्योंकि भारत देश की अदालत वो अदालत है जो कभी किसी के आगे झुकी नहीं है, ना कभी बिकी है, और हमेशा बेखौफ होकर इंसाफ करती है। तो ये साधारण लड़की पिया आज हमारे इस अदालत के कटघरे में सच्चे इंसाफ की उम्मीद लेकर खड़ी है। सर, आपसे इस वक्त मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है,
जो हादसा हुआ वो इनकी साइट पर आपकी अदालत से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर हुआ। सर, एक बार आप वहां जाकर देखिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि किस तरह से इनके गुंडों ने गवाहों को यहाँ आने से रोका है। और ये काम है इस आदित्य के गुंडों का, जिन्होंने मेरे गवाहों को कैद करके रखा है, इस अदालत में आने से रोक रखा है। योरोनर, ये आदित्य बहुत बड़ा पापी है। योरोनर, जब गवाह कोर्ट तक पहुंचने में नाकाम हो जाए तो कोर्ट को वहां पर जाकर के तहकीकात करनी चाहिए, उनका बयान सुनना चाहिए, सच्ची घटना की तह तक जाकर सारे सबूतों को ध्यान में रखकर न्याय करना चाहिए। That's all, Your Honor. मैडम, लिफ्ट खराब है, रिकॉर्ड रूम 5वें माले पर है, ये तो सोशल वर्क है, कौन सा पैसे देंगे ये लोग, चलिए कल आते हैं। नहीं अशोक, ये लोग मेरे पास इस उम्मीद से आए हैं कि मैं इन्हें इंसाफ दिलाऊंगी, पता नहीं कल इन्हें इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन मेरी कोशिश में कमी नहीं रहनी चाहिए। 5 मंजिल की ही तो बात है, मैं धीरे धीरे चढ़ जाऊंगी। तुम टाइपिंग शुरू करो, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। ड्राइवर, एमजी रोड चलो। क्यों बे, तू जाएगा कोर्ट गवाही देने जाएगा? पर मुझे माफ कर दीजिए सर। अगर गया तो तेरे साथ तेरे परिवार का भी खात्मा कर दूंगा। अब बोल, देगा गवाही? नहीं सर, ये बिल्कुल गवाही नहीं देगी। सुन ले, अच्छी तरह से सुन ले, अगर तेरी बेटी या बीवी गवाही देने गई तो इनके चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा, समझे? सब ठीक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास, नो टेंशन, कोई जुबान नहीं खोलेगा। जस्टिस मुखर्जी बोल रहा हूँ, पिया केस के सभी लोग मुझे एमजी रोड पर चाहिए। योर ऑनर, रोड के बीचों बीच कोर्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। यू गॉट टू अंडरस्टैंड मिस्टर रूप, जब आप लोग रास्ते पर खड़े होकर सौदेबाजी कर सकते हैं तो फिर इस रास्ते पर कोर्ट क्यों नहीं लग सकता? आज ये लड़की चिल्ला चिल्ला कर देश से न्याय के लिए प्रार्थना कर रही है। ये कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, ये भारतीय डेमोक्रेसी है। हमारे देश का कानून एक असहाय नारी की प्रार्थना की उपेक्षा करके जिंदा नहीं रह सकता। आज इंसाफ होगा और यही होगा। योर ऑनर, फिर भी सड़क के मिस्टर अरूप, क्या आप कानून नहीं जानते कि अगर किसी जज को किसी भी परिस्थिति में यह शक होता है कि सबूत मिट रहे हैं या सबूतों को मिटाया जा सकता है तो फिर वो जहां भी चाहे कोर्ट लगा सकता है। यू अंडरस्टैंड? मैंने यहां पर आकर खुद देखा, तभी मुझे ऐसा लगा कि कल सवेरे कोर्ट बैठने से पहले ही सबूतों को मिटाया जा रहा है, इसीलिए मैंने यहां कोर्ट लगाई। इसमें आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है, आप तो खुद चाहते हैं ना कि इंसाफ हो, तो होगा, इंसाफ होगा, आज ही होगा। मिस्टर निर्मल, नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रोसीडिंग्स। थैंक यू योर ऑनर। आज अदालत खुद चलकर हम सबके बीच आई है। आप लोग खामोश मत बैठिए, इसी खामोशी से इंसाफ की हत्या होती है। अब बेझिझक होकर, बेखौफ होकर आप लोग बयान देंगे तभी पिया को न्याय मिलेगा। जज साहब को बताओ कि सच्चाई क्या है। प्लीज आप लोग सच को हारने मत दीजिए, जज साहब को हकीकत बताइए। आपकी यह खामोशी किसी बेकसूर को फांसी पर चढ़ा सकती है। अंकल, मैं बताती हूँ अंकल, उस दिन ना ये गुंडा अंकल इस लड़की के कपड़े फाड़ रहे थे, इसे नंगा करने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, एक बच्चे की गवाही को कभी अदालत नहीं मान सकती। क्यों नहीं मान सकती?
क्यों बच्चे सच बोलते हैं इसलिए डर गए क्या? जज साहब मैंने वहां से सब देखा था जज साहब, वो आदमी सबके सामने इनकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और वो लोग सबके सामने इनके कपड़े भी उतारने की कोशिश कर रहे थे और ये तो अपनी इज्जत बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। और तब ये दुष्ट पापी और इसके दोस्त ने मिलकर इसके कपड़े फाड़े, बचाव के लिए उस दरिंदे के दोस्त पर हथौड़े से वार किया और इस तरह इसने अपनी इज्जत लूटने से उस दरिंदे से अपने आप को बचाया। अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं भी अपनी इज्जत बचाने के लिए वही करती। हिंदुस्तानी लड़कियों की जिंदगी में अपनी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता है जज साहब, और मर्द लोग इस बात को कभी नहीं समझते। हाँ जज साहब, मैं कोर्ट में गवाही देने घर से बाहर निकली तो उसी वक्त इसकी कहने पर इसके पालतू गुंडों ने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट लिखाने, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। तब मुझे अपने नारी होने पर खुद अपने आप पर शर्म आने लगी। आज हम जैसी अबला औरतों का कोई साथ नहीं देता। मौत के डर से मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जज साहब, इस पापी को जिसने इतना बड़ा पाप किया है, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जज साहब। इस विषय में क्या आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, ये झूठ है और मनगढ़ंत है। जो लोग डर से चुप रह सकते हैं वो लोग डर के मारे झूठ भी बोल सकते हैं योर ऑनर। और ये लड़की मिस पिया सबसे बड़ी झूठी है। इसने मिस्टर आदित्य जैसे इज्जतदार आदमी के खिलाफ झूठी शादी का इल्जाम लगाया था। पिया ने झूठा इल्जाम नहीं लगाया मिस्टर अरूप, झूठी शादी की थी इस आदित्य ने। इस आदित्य ने पिया के साथ झूठा प्यार का नाटक किया, उसे अपने प्यार के जाल में फांस कर उसकी मांग में सिंदूर भरा। माय लर्नेड फ्रेंड, आपके पास इसका कोई ठोस सबूत है? हाँ है ना, जब सच की परीक्षा होती है तो भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। योर ऑनर, आज इस अदालत को मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी दिखाता हूं। योर ऑनर, इनका नाम है अभिजीत चौबे। ये मसूरी से खास यहां आए अखबारों से पता चलने के बाद। जब आदित्य और पिया की सो कॉल्ड शादी हो रही थी उस वक्त ये अपनी फैमिली की फोटो खींच रहे थे, तो पीछे खड़े आदित्य और पिया भी इस तस्वीर में कैद हो गए। योर ऑनर, ये देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है आदित्य पिया की मांग भर रहा है। अदालत ये मानती है कि मिस्टर आदित्य चौधरी ने मिस पिया के साथ मसूरी में झूठा विवाह किया था और झूठा पति बनकर मिस पिया के साथ जो शारीरिक संबंध बनाए थे उसे कानून की भाषा में बलात्कार कहते हैं। लिहाजा ये अदालत इसके लिए मिस्टर आदित्य चौधरी को दोषी मानते हुए उसे गिरफ्तार करने का आदेश देती है और ताजिराते हिंद की दफा 375 के तहत 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। ओ, 7 साल? सिट डाउन। मिस पिया शर्मा ने जो भी किया था अदालत ये मानती है कि वो उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए किया था, लिहाजा ये अदालत मिस पिया शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। हमारे देश की आम जनता के लिए मैं एक बात कहता हूं, आप लोगों को जो भी शिकायत हो आप अदालत में आइए, अदालत को सच्चाई बताइए, अदालत आप लोगों को न्याय जरूर देगी। भारतीय संविधान आपसे यह वादा करता है। क्यों आदित्य बाबू, देख ली ना कानून की ताकत तुमने? हमारे देश की अदालत गुंडों के आगे झुकती नहीं है, जीत होती है सत्य की, जीत होती है इंसाफ की। तू तो 7 साल के लिए अंदर जा रहा है ना? ये ले,
इसे रख ले, तेरे 7 साल की जिंदगी की कीमत है 5 रुपए। ये है हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान।